Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and the topic in hand is Bonded Labor System under the Section 2E of the relevant law, which, is, which was enacted in 1992. Here, Bonded Labor System. Likha hua hai. और ये बेसिकली बता रहा है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम है क्या तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम मींस द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड लेबर अंडर विच अ डेटर एंटर्स और हैज और इज प्रिज्यूम टू हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्रेडिटर टू द इफेक्ट दैट ये जो पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है उसका माननी ये है कि ऐसा सिस्टम ऑफ लेबर जो कि फोर्स्ड है पार्टली फोर्स्ड है और उसके तहत एक लेबरर जो है उसमें एंटर होता है एज अ डेटर और क्रेडिटर के साथ वो एंटर होता है और उस सिस्टम का जो इफेक्ट है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका इफेक्ट ये है कि इन कंसिडरेशन ऑफ एन एडवांस ऑबटेन्ड बाय हिम और बाय एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ इस फैमिली वेदर और नॉट सच एडवांस इज एविडेंस्ड बाय एनी डॉक्यूमेंट एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट इफ एनी डी यू ऑन सच एडवांस वो लेबर को उस क्रेडिटर के साथ करने का पाबंद होता है तो बॉन्डिड लेबर सिस्टम जो है ये एक सिस्टम की तरफ इशारा करती है जिसमें कि एक शख्स दूसरे शख्स के साथ माहिदा करता है जिसके तहत वो एडवांस में पैसे लेता है और फिर वो उस शख्स के साथ किसी ख़ास मुकर मुद्दत के लिए काम करने का पाबंद होता है तो ये एडवांस जो होता है ये बेसिकली पेशगी होता है यानी एडवांस में होता है और इसके तहत वो शख्स जो है एक ख़ास मुद्दत तक उस शख्स के साथ काम करने का पाबंद होता है और उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती कि वो उस मुद्दत के दौरान कहीं और मुलाज़मत कर सके तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक एग्रीमेंट होता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम का जिसमें एक जो डैटर है वो एंटर करता है और इसका इफेक्ट कैसे होता है देखें इन परसुएंस ऑफ एनी कस्टमरी और सोशल ऑब्लिगेशन कस्टमरी से क्या मुराद है यानी कोई ऐसी ट्रेडिशन जिसको लोग फॉलो करते हैं और फॉलो ना करना जो है उस पर जो सोसाइटी है वो बुरा मनाती है तो ये जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम है ये इन परसुएंस ऑफ किसी कस्टम भी हो सकता है और सोशल ऑब्लिगेशन के जिमन में भी हो सकता है तो मेरे स्टूडेंट्स बात यहां पर ये यह आई कि बॉन्डेड लेबर जो सिस्टम है इसमें जो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है इसमें क्रेडिटर एडवांस पैसे दे रहा है और डेटर जो है वो एडवांस पैसे ले रहा है और उसके बदले में वो पाबंद है कि वो क्रेडिटर के साथ जो है और क्रेडिटर के बिजनेस में किसी लेबरर के तौर पर काम करेगा तीसरा इफेक्ट जो है इस रिलेशनशिप का ये है वो कि फॉर एनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय हिम और बाय एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली तो ये जो कंसिडरेशन है वो खुद उसने रिसीव की हो सकती है या उसके फैमिली के किसी मेंबर्स ने रिसीव की होती है कि जिसके बदले में उसे क्रेडिटर के साथ फोर्स लेबर करना है और ये जो सारा रिलेशनशिप है इसमें उसने क्या करना है कि ही वुड ये ही वुड का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हो रहा है डेटर के लिए ही वुड Render by himself or through any member of his family or any person dependent on him labor or service to the creditor or for the benefit of the creditor for a specified period or for an unspecified period, either without wages or for no normal nominal wages. So, my dear students, the बॉन्डेड लेबर सिस्टम है इसका इफेक्ट ये है कि जब डेटर ने पैसे ले लिए हैं और क्रेडिटर ने पैसे दे दिए हैं और उन्होंने क्रेडिटर के लिए काम करना है तो इसकी वजह से क्या होता है फोर फीट ये जो सारी एक्टिविटी है इससे फोर फीट होती है फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फोर फीट होती है कि ये जो लोग हैं जो इन्होंने कर्जा लिया है और लेबर करने का वादा किया है वो किसी और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पर भी नहीं उस स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान जा सकते तो ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है इसमें क्या होता है कि फोर फीट कर दिया जाता है राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इस बॉन्डेड लेबर सिस्टम में ये होता है कि फोर फीट द राइट टू अप्रोप्रिएट और सेल एट मार्केट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पर भी वो लेबर आप बेच नहीं सकते और एनी ऑफ इस प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ इस लेबर यानी लेबर की वजह से जो प्रोडक्ट आ रही है वो भी आप अपनी मार्केट वैल्यू पर नहीं बेच सकते तो ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम है और माय डियर स्टूडेंट्स जो बॉन्डेड लेबर जो है ये इसको कंसिडर किया जाता है मॉडर्न डे स्लेवरी के साथ क्योंकि इसमें एक्सप्लाइटेशन है इस्तेसाल है और ये जो है नॉर्मली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए से वजूद में आती है या आप किसी को होप दिलवाते हैं कि तुम्हें तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे बहुत अच्छी देंगे और उसमें उसको ट्रैप कर लेते हैं तो माई डियर स्टूडेंट्स इस जिमन में आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको समझना बड़ा जरूरी है जो कि ये है कि आर्टिकल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है Any form of slavery or facilitation to sla slavery, including forms of forced labor. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.